हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। स्वागत है आप सभी का इंडिया के नंबर वन स्टडी चैनल वाईफाई स्टडी में। सो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को मालूम है, डेली दिन में एक बजे मंडे टू फ्राइडे आपका एक इंपॉर्टेंट सेशन होता है जिसमें हम काफ़ी कुछ जो है डिस्कस करते हैं आपके आने वाले एग्जाम के लिए। और उम्मीद करता हूँ कि मैं आपने ज्योग्राफी इकोनॉमिक्स के सारे वीडियो देख लिए होंगे और पॉलिटी है जो कि हम पिछले काफ़ी टाइम से कवर अप कर रहे हैं। और पॉलिटी का पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री जो है हमने तीन चार बार में पढ़ा। पार्ट फोर जो है हम लोग कवर कर रहे हैं और 36 से 51 जो हमारा अनुच्छेद है, जो आर्टिकल है, इनको हम कवर कर रहे हैं। और 51 से पहले हम कहाँ तक पहुँच चुके हैं, 36 से लेकर 44 तक तो हम लोगों ने पहले वाले वीडियोस में कवर कर लिया है। नहीं देखा है तो पहले देख लीजिएगा, उसके बाद ये वीडियो देखिएगा, आपके बहुत मदद मिलेगी। और आप देश का कोई भी एग्जाम दे, आपको आसानी से सवाल जो है इजीली सॉल्व हो जाएंगे। आज जो हम बात करने वाले हैं 45 से 51 तक बात करने वाले हैं, यानी कि आज के सेशन के अंदर क्या होने वाला है, आज आपका जो पार्ट फोर है यानी कि जो भाग फोर है ये आज खत्म हो जाएगा। समझ गए, यानी कि आज के लेक्चर के बाद में आपके संविधान के पार्ट वन, भाग दो, भाग तीन और साथ में भाग चौथा भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद में जो है हम कल के वीडियो में क्या देखेंगे, हमारा जो भाग पांचवा है सेंटर यानी कि यूनियन, उसके बारे में पढ़ेंगे जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके अंदर हम प्रधानमंत्री के बारे में, प्रेसिडेंट के बारे में, हाई सुप्रीम कोर्ट के बारे में, पार्लियामेंट के बारे में, लोकसभा, विधान, राज्यसभा, सबके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो के अंदर आपका जो चौथा भाग है वो खत्म हो जाएगा और कल के वीडियो में आपको पहले क्वेश्चन आंसर कराऊंगा। ठीक है, कल को भी, आज ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल खत्म होने के बाद में पहले आपको कराऊंगा इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर, उसके बाद में पांचवा पार्ट स्टार्ट करूंगा। पांचवा भाग आपका जब पूरा हो जाएगा, जब उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा, छठा पूरा हो जाएगा जब उससे रिलेटेड क्वेश्चन कराऊंगा, ताकि आपको किसी भी तरीके से कोई समस्या नया हो और आप हर एक भाग के महत्वपूर्ण सवाल पूरे करते चले तो आपको किसी भी देश के एग्जाम में कोई समस्या नहीं आएगी। चलिए चलते हैं आज आर्टिकल 45 पे, आज देखते हैं आर्टिकल 45 क्या बोलता है। ठीक है, और थैंक यू एवरीवन, कई सारे विशेष है जो कि आप बच्चे दे रहे हैं, थैंक यू एवरीवन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, वेस्ट नहीं करते, अपने पास में वैसे 25-30 मिनट होते हैं यार, पूरी तरीके से यूटिलाइज करते हैं जो जो इंपॉर्टेंट चीजें है ना। चलिए आगे बात करते हैं, सबसे पहले देखते हैं अनुच्छेद 45 के बारे में, बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों कि बच्चों के लिए मुफ्त भी होना जरूरी है और शिक्षा का प्रावधान भी होना जरूरी है। तो राइट टू एजुकेशन के बारे में हमने पढ़ा था, तो उसी के तहत इसमें भी बताया गया है हमारे, देखो आरटी तो आई बाद में, लेकिन हमारे जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, जो दिशा निर्देश है हमारे, जो दिशा निर्देश के जो सिद्धांत है उसके अंदर ऑलरेडी इसके बारे में मेंशन कर रखा है कि राज्य संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की अवधि के भीतर सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा के लिए, ठीक है, जब तक 14 वर्ष की आयु पूरी नहीं हो सकती तब तक प्रदान करने का प्रयास करेंगे। तो जब हमारा आरटीई को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बात हुई तब सुप्रीम कोर्ट ने भी देखा कि भाई साहब ये तो हमारे आर्टिकल 21 के अंदर भी मेंशन है कि राइट टू लाइफ और हमारे जीने का अधिकार, पढ़ाई के बिना जीना पॉसिबल नहीं है, तो आर्टिकल 21 भी बिल्कुल मौलिक अधिकार भी बनता है। और साथ में जो हमारे संविधान जिन्होंने बनाया है उनका भी ऐसा कहना था कि आप पॉलिसी बनाते वक्त इन चीज़ों को ध्यान रखें कि 14 साल तक के बच्चों को आप मुफ्त में शिक्षा दें। इसी को लेकर एज ग्रुप बाद में आरटीई में क्या डिसाइड किया, 4 से लेकर 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनको मुफ्त में शिक्षा देने का प्रावधान जो है वो आरटीई एक्ट के तहत लाया गया। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, आर्टिकल 45 ये बोलता है, ये महत्वपूर्ण आर्टिकल है, इसको आपको याद रखना है। समझ गए मेरी बात, कंपल्सरी एजुकेशन के बारे में बातचीत करी गई है 6 से 14 साल तक है, जो कि आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 46 जो कि है, आर्टिकल 46 क्या बोलता है कि हम जो हमारे देश में एसटीए होंगे, एससी होंगे, जो भी पिछड़ा वर्ग होगा, हम क्या करेंगे उसके शैक्षणिक और आर्थिक हितों का ध्यान रखेंगे। ऐसा नहीं है कि हमारे देश में सिर्फ और सिर्फ मेजॉरिटी, ठीक है, उन्हीं का ध्यान रखेंगे, हम अल्पसंख्यक लोगों का भी ध्यान रखेंगे, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो, चाहे वो एसटी हो, चाहे वो एससी हो, चाहे वो किसी भी क्लास से बिलोंग करते हो, फर्क नहीं पड़ता, हम ऐसे एजुकेशन सेटअप करेंगे कि उनका शैक्षणिक और साथ में आर्थिक
दोनों जो हो क्या हो उनका दोनों तरीके से ध्यान रखा जाए और वो भी सोसाइटी में ऊपर आ सके और हर तरीके के शोषण से उनको बचाएंगे। ऐसी पॉलिसी एक राज्य की होनी चाहिए अगर वो कोई भी पॉलिसी बना रहे हैं तो ये इसके अंदर बताया गया है। समझ गए मेरी बात? ओके, तो ये भी बात आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, आर्टिकल याद करने की जरूरत नहीं है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 47 की, ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसके तहत क्या बोला गया कि हमारे एक राज्य की ये कर्तव्य होता है कि वो ऐसी पॉलिसी लेके आए कि उस राज्य के अंदर लोगों का जो स्वास्थ्य है वो बहुत ही बेहतर रहे, बच्चे जो है उनको न्यूट्रिशन, जो बढ़िया खाना होता है, जो न्यूट्रिशन जो है पोषण के स्तर को बढ़ाए। वरना क्या हो जाएगा, पोषण के स्तर को नहीं बढ़ाएंगे तो राज्य में बहुत ज़्यादा जो बच्चे होंगे बहुत कमज़ोर होंगे, बीमारियों से ग्रसित होंगे, तो हमारे राज्य का कैसे भविष्य बन पाएगा। तो ऐसी पॉलिसी लाई जाए कि राज्य पोषण के स्तर को बढ़ाए और जीवन स्तर को भी बढ़ाए, प्राथमिक कर्तव्यों के बीच में सार्वजनिक स्वास्थ्य में सुधार लाने के संबंध में विशेष रूप से राज्य औषधीय उद्देश्य को छोड़कर उपभोग के निर्देश को लाने का प्रयास करेंगे, ठीक है, और साथ में नशीले पेय और ड्रग के जो स्वास्थ्य है उसके हानिकारक जो चीज़ें हैं उसको कम भी करेंगे। तो ये बोला गया आर्टिकल 47 अनुच्छेद 47 में। अब इसके तहत क्या हुआ, मिड डे मील स्कीम, ठीक है, दुनिया का सबसे बड़ा जो पोषण स्कीम है, न्यूट्रिशन स्कीम है, वो कौन सी है, मिड डे मील स्कीम। मिड डे मील स्कीम की बात करें तो सबसे पहले तमिलनाडु के द्वारा लागू करी गई, उसके बाद में पूरे देश में और दुनिया का सबसे बड़ा न्यूट्रिशन प्रोग्राम ये माना जाता है। क्यों चालू किया गया, क्योंकि हमारे अनुच्छेद 47 में लिखा है कि राज्यों को, अब गांव में क्या होता है, पहली बात तो बच्चे पढ़ने नहीं आते, पढ़ने आते तो खाने पीने की उनकी बड़ी समस्या होती है, तो इसलिए दोस्तों स्टार्ट किया गया ताकि गाँव के जो पोषण का स्तर है वो भी बढ़ जाए और क्या हो जाए, उनके स्वास्थ्य में सुधार भी हो जाए, पढ़ाई भी हो जाए। ओके, राजस्थान के अंदर जो मेडिसिन होती है जो सरकारी अस्पताल के डॉक्टर लिखता है वो कई सारी फ्री होती है, वो फ्री भी इसीलिए करी गई है क्योंकि 47 में लिखा हुआ है कि आप क्या करो, ठीक है, कोशिश करो कि अगर आप कर सकते हो तो मेडिकल चीज़ों को भी अवेलेबल करवाओ। और कई जगह पे जो है जैसे कि बिहार है, गुजरात है, यहाँ पे जो अल्कोहल है, दारू है, उसको बंद किया गया है। क्यों किया गया है, अनुच्छेद 47 में दिशा निर्देश में बताया गया है, कई सारे राज्यों में नहीं है। क्यों नहीं है बंद, क्योंकि टैक्सेस बहुत ज़्यादा मिलता है, समझ गए। तो सरकार कभी भी ये नहीं चाहती कि वो ज़ोर ज़बरदस्ती से बंद करे, वो ये चाहती कि आप लोग छोड़ दें, अगर आप लोगों ने छोड़ दिया तो दुकानें अपने आप बंद हो जाएगी, तो फिर टैक्सेस की कोई बात ही नहीं रहेगी। लेकिन सरकार ऐसा नहीं कह सकती कि पूरे देश में बंद कर दे, ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है क्योंकि उनको टैक्सेस भी मिलता है, तो लोगों को जो है सही करवा के छुड़वाना ज़्यादा ज़रूरी है, ऐसा राज्य करता है। समझ गए मेरी बात? चलिए आगे बात करते हैं अनुच्छेद 40 की तरफ। इसमें हम क्या करेंगे कि हमारे राज्य के अंदर जितने भी हमारे कृषि प्रधान, देखो हमारा क्या है, कृषि प्रधान देश है, हमारे यहाँ पे कृषि से ऊपर कुछ भी नहीं है, ठीक है। हमारे आज भी 70% जो लोग हैं वो गांव में रहते हैं, आज भी 70% रूरल एरिया हमारे, ग्रामीण भारत आज भी हमारा है, तो गांव के अंदर कैसे सर्वाइव करेगा कोई आदमी, वहाँ पे कोई माइक्रोसॉफ्ट गूगल कंपनियाँ तो आएगी नहीं, वहाँ पे कृषि भूमि से ही उसका काम चलेगा। तो राज्य को ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए, आधुनिक पॉलिसी बनानी चाहिए कि कृषि और पशुपालन जो है वो उसको बढ़ावा मिल सके और अपना जो रोजी पानी है होता है गांव के अंदर किसान, उसको वो बढ़िया तरीके से कर सके, ठीक है। जितने भी दुधारू पक्षी है, जो मवेशिया है, उनको प्रतिबंध, जो लोग है ना मारते हैं उनको प्रतिबंध लगाए और कोशिश करें कि राज्य के अंदर हरियाली रहे, साथ में क्या रहे, ठीक है, कृषि भूमि जो है वो बढ़ती रहे, बढ़िया पॉलिसी लाए, टेक्नोलॉजी लाए, जैसे कि कई राज्यों के अंदर सोलर पंप जो है वो यूज़ करे जाते हैं, सोलर प्लांट यूज़ करे जाते हैं, वो किस लिए, क्योंकि हमारे अनुच्छेद 48 में लिखा हुआ है कि राज्य को ऐसी पॉलिसी बनानी पड़ेगी। 48 के अंदर ही एक और है दोस्तों, 48A, जिसके अंदर इन्वायरमेंट की बात करी गई है, फॉरेस्ट की और वाइल्ड लाइफ की बात करी गई है, कि हमारे देश के अंदर दोस्तों ऐसी पॉलिसी लाए कोई भी राज्य कि हमारे देश के अंदर एनवायरनमेंट भी सेफ रहे, साथ में हमारे फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ भी कैसे रहने चाहिए, सेफ रहने चाहिए, उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आज हमारे देश में फॉरेस्ट जो है वो 24%, ठीक है, कोई 0.7 ऐसा कुछ ही है, लेकिन एक देश के अंदर 33% फॉरेस्ट जो है वो होना ज़रूरी होता है, तब जाके उस देश के राज्य के लोगों को प्रॉपर तरीके से ऑक्सीजन मिलती है। हम अभी काफ़ी पीछे चल रहे हैं, समझ गए,
तो राज्य की नीतियां ऐसी होनी चाहिए कि वनों और वन्य जीवों की रक्षा करें। इसी को लेकर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया है, ठीक है, इसी को लेकर बाकी सारे एक्ट भी आए हैं, साथ में एयर पोल्यूशन एक्ट, वाटर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, ये सब इसी की वजह से हमारे देश में लागू करे गए हैं। अब चलते हैं अनुच्छेद 49 की तरफ, जिसमें हमने बात करी है कि हम क्या करेंगे, राष्ट्रीय महत्व के जो साधन है, योजनाएं हैं, उद्देश्य है, उनका संरक्षण करेंगे, ठीक है। ये हमारे ड्यूटी के अंदर भी एड ऑन किए गए हैं और हमारे दिशा निर्देश के अंदर भी एड ऑन है। क्या है, आपने देखा होगा लाल किला गए होंगे, लाल किला क्या आपने देख, बहुत सारे मॉन्यूमेंट में गए होंगे यार आप, देश के कई सारे, ठीक है, वहां पे क्या होता है, लोग बाग क्या करते हैं, इस तरीके से निशान बना के चले जाते हैं, ठीक है, पता नहीं क्या मिलता है, ठीक है, सोनू मोनू लिख के चले जाते हैं, ओके। तो ये सब चीज़ें क्या करते हैं कि पूरा का पूरा हमारे नेशनल जो हेरिटेज है उन चीज़ों को ख़राब करने का काम करते हैं। पता नहीं कौन सा नोबेल पुरस्कार मिल जाएगा, नेशनल अवार्ड मिल जाएगा, भगवान जाने क्या मिल जाएगा, लेकिन ऐसे बहुत सारे लोग नाम लिख के चले जाते हैं, किसी के भी मोबाइल, लड़की का नाम लिख कर मोबाइल नंबर लिख के चले जाते हैं, कई सारी जनता ऐसी है जो इस मोबाइल पर जो है वो फ़ोन मिला मिला के दुखी हो चुकी है, ओके, उनको लगता है कि पता नहीं क्या ही हो जाएगा, कोई उनका भला करके चला गया है। तो ऐसे कई सारी चीज़ें जो कि आपने देखी होगी, कॉमनली देखी होगी, उम्मीद करता हूँ यार आप कभी जीवन में ऐसी हरकतें नहीं करेंगे, किसी भी नेशनल मॉन्यूमेंट को या कोई भी मॉन्यूमेंट को, ठीक है, आप इस तरीके से गंदा नहीं करेंगे। आप अपने घर में करते हो क्या, घर की दीवार के ऊपर ऐसे दिल विल बनाते हो क्या, नहीं बनाते, तो यार देश की जो जितनी भी बाकी जगह है वहाँ पर ऐसा क्यों करना, ठीक है। अभी अगर किसी ने बना लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी से मत बनाना, ठीक है, ओके। तो हमारी क्या है, हमारे जो है दिशा निर्देश है उसमें लिखा गया है कि राज्य का ये दायित्व होगा कि वो प्रत्येक स्मारक का ध्यान रखे, जितनी भी कलात्मक और ऐतिहासिक हित है वस्तुएं हैं उनकी रक्षा करे और शासन द्वारा बनाए गए कानून के तहत उसके अधीन राष्ट्रीय महत्व का जो भी चीज़ हो उसको रोकने का प्रयास करें, ठीक है। अब ये सिर्फ जो चीज़ें हैं वो सिर्फ सरकार की नहीं है दायित्व, ये आपका भी दायित्व है, क्योंकि जो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ होती है उसके अंदर भी ये लिखा हुआ है कि आप क्या करेंगे, इसको बचाएंगे, संरक्षण देंगे, आप इसको गंदा या ख़राब नहीं करेंगे, समझ गए मेरी बात। तो ये अनुच्छेद 49 के अंदर लिखा हुआ है। आगे बात करते हैं 50वां, जो कि क्या है कि हम हमेशा न्यायपालिका को क्या करेंगे, अलग रखेंगे, ठीक है, न्यायपालिका को क्या रखेंगे, कार्यपालिका से, न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखेंगे, न्यायपालिका और कार्यपालिका क्यों रखेंगे भाई अलग, रीजन क्या है अलग रखने का, बताओ जल्दी से। देखो कार्यपालिका कौन सी होती है, जो कार्य करती है, कौन करते हैं कार्य, प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के नीचे मिनिस्टर होते हैं, मिनिस्टर के नीचे IAS ऑफिसर्स होते हैं, और उनके नीचे कौन होते हैं, बाकी जो एम्प्लॉय होते हैं वो लोग होते हैं। तो अगर दोस्तों कल को मिनिस्टर ने कोई घोटाला किया, समझ गए, 2G 3G 4G आपको मालूम ही है सारे के सारे, ओके, कॉमनवेल्थ और भी बहुत सारे घोटाले जो हमारे देश में हुए हैं, तो घोटालों की बात करें तो अगर मिनिस्टर ने घोटाला किया और अगर कार्यपालिका और न्यायपालिका एक हो गई तो क्या होगा, इस मिनिस्टर को कभी भी सज़ा नहीं होगी और मिनिस्टर आसानी से बच जाएगा, क्योंकि ऊपर प्रधानमंत्री का हाथ है और प्रधानमंत्री के अंडर ही कार्यपालिका न्यायपालिका सभी हो जाओगी, तो क्यों उसको सज़ा दिलवाएगा, कोई भी उसको सज़ा नहीं दिलाने देगा, समझ गया, ऐसा चलता रहेगा, देश को नुकसान होता रहेगा। ये अलग इसलिए करी गई है ताकि न्यायपालिका क्या करे, न्याय करे, और न्यायपालिका न्याय तभी कर पाएगी जब वो किसी के अंडर में नहीं हो, इसीलिए दोस्तों न्यायपालिका को अलग रखने की बात बोली गई हमारे कार्यपालिका में। संविधान बनाने वाले जो है वो बड़े होशियार थे, उनको पता था कि आगे जाके जो है भारत बहुत बड़ा मार्केट बनेगा और यहाँ पे बड़े करप्टेड लोग हैं जो कि बनेंगे, तो उन्होंने पहले ही बोल दिया कि भाई कार्यपालिका और न्यायपालिका को अलग रखना, वरना क्या हो जाएगा, सीन खराब हो जाएगा, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 50 के अंदर लिखा हुआ है। लास्ट देखते हैं दोस्तों, जो कि हमारा है 51। हमारे 51 कौन सा है, 36 से 51 हमने पढ़े, दिशा निर्देश हमारे के जो सिद्धांत है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है, DS है, ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी हम इसको कहते हैं, ओके, DPSP जो हम कहते हैं। तो ये में 51वां क्या है दोस्तों, कि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा का जो है हम प्रसार करेंगे, कि एक स्टेट को, एक कंट्री को क्या करना चाहिए, ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए कि पूरी दुनिया के अंदर क्या हो, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को हम बढ़ावा दें,
राष्ट्रों के बीच में न्यायपूर्ण और सम्मानजनक संबंध हो उसको बना के रखे, एक दूसरे के साथ संगठित होकर क्या करे, अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करे, मध्यस्थता द्वारा क्या करे, कोई भी अंतर्राष्ट्रीय विवाद है उसको हम निपटा दे, समझ गए। तो नैम नॉन अलाइंड मूवमेंट सुना होगा ना, पंचशील प्रिंसिपल दिए गए नेहरू जी के द्वारा, इसी तो लेके दिए गए थे अनुच्छेद 51 के द्वारा कि भाई हमें क्या करना चाहिए, इंटरनेशनल पॉलिसी को पीस जो है पूरी दुनिया में क्रिएट करना चाहिए। जो चाणक्य की जो किताब थी अर्थशास्त्र उसके अंदर भी उन्होंने यही बोला था कि एक राज्य को ऐसा पॉलिसी बनानी चाहिए कि पड़ोस के जो मुल्क होना वो उसके फैन होने चाहिए, पड़ोस के जितने भी दोस्त देश है या फिर राज्य है वो सब उसके मित्र होने चाहिए। अगर मित्र रहेंगे कल को कोई भी प्रॉब्लम होगी तो सबसे पहले वो आप उनकी मदद ले सकते हो और अपने काम को निकलवा सकते हो, समझ गए। तो ये चाणक्य ने भी कहा था और ये बात हमारे संविधान जो उन्होंने बनाया उन्होंने भी दिशा निर्देश दिए कि भाई आपको ऐसी पॉलिसी बनानी चाहिए, ऐसे काम करना चाहिए कि ये सारे के सारे काम आपके हो जाने चाहिए, समझ गए मेरी बात। ये है 51। अब हमारे निर्देशक सिद्धांत में कई चीज़ों को ऐड भी किया गया, जैसे कि हमने क्या किया 42वां संशोधन किया 1976 के, जिसमें हमने चार नए निर्देश सिद्धांत जो है वो जोड़े हैं। जैसे कि हमने अनुच्छेद 39 में क्या जोड़ा है कि बच्चों के स्वास्थ्य विकास के लिए सुरक्षित अवसरों के लिए काम करेंगे। 39A में क्या जोड़ा है दोस्तों कि हम क्या करेंगे, समान न्याय को बढ़ावा देंगे और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता देंगे। ये 76 के अंदर जोड़ा गया है, जब हमारा संविधान बना था 47-50 के अंदर तब ये चीज़ें उसके अंदर नहीं थी, हमने बाद में जोड़ी है, ठीक है। हमने संशोधन किया है 42 व 76 में, उसके तहत हमने बच्चों के स्वास्थ्य की बात करी, उसके तहत हमने न्याय समान न्याय की बात करी और मुफ्त में कानूनी सहायता की बात करी और साथ में श्रमिकों की जो भागीदारी है इंडस्ट्री के अंदर उसके बढ़ाने को लेकर बात करें अनुच्छेद 43 में, और 48 में जो हमने बात करी जो हमारा पर्यावरण है उसकी रक्षा करेंगे, वन और वन्य जीव की रक्षा करेंगे, ये 48 भी ऐड किया गया। तो कुल मिला के दोस्तों 39 और 39A ये दोनों बाद में ऐड हुए, 43 और 48A बाद में ऐड हुए। तो ये चार आपको ध्यान रखने हैं कि ये 42वां जो संशोधन हुआ था 76 में उसके द्वारा ही ऐड ऑन करे गए हैं, समझ गए मेरी बात। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, गलती मत करिएगा, ठीक है। उसके बाद में हमने एक और अमेंडमेंट किया, 44वां संशोधन किया 78 के अंदर, ठीक है। उसके द्वारा हमने क्या ऐड किया कि हम आय स्थिति सुविधाएं और अवसरों में समानता का काम करने की आवश्यकता करेंगे। जिस तरीके से गरीब गरीब हो रहा है, अमीर अमीर हो रहा है और नर और नारी के अंदर जो है इतनी ज़्यादा डिफरेंसेस हो रहे हैं उसको कम करेंगे, और ये बात करी गई 44वें संशोधन के अंदर। फिर आपको मालूम है आरटीई आ गया तो 86वां संशोधन आ गया, जिसमें हमने आर्टिकल 45 के अंदर क्या किया, बदलाव करे, क्योंकि हमें अनुच्छेद 21A में भी बदलाव करे थे और हमने शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार मान लिया था, तो मौलिक अधिकार मान लिया तो हमने 45 के अंदर भी बदलाव करे और वहाँ पे 6 साल कर दी, 6 साल से 14 साल, पहले 10 साल थे अभी फिर हमने इसको 6 से 14 कर दिए। उसके बाद आते हैं दोस्तों 97वें संशोधन की, जिसमें हमने क्या किया कि हमने बोला कि हम ऐसा काम करेंगे कि डेमोक्रेसी बनाएंगे, प्रोफेशनल मैनेजमेंट करेंगे, सोसाइटीज़ बनाएंगे, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ उनको बढ़ावा देंगे। तो ये सब किया गया 97वें संशोधन के तहत 2011 में, समझिए दोस्तों। तो ये सब आपको ध्यान रखना है, वापस से बता रहा हूँ लास्ट में कौन कौन से करें। 42 के तहत तो तीन करे गए 42वां संशोधन के तहत, तो 39, 39A, 43 और 48। उसके बाद 44वां जो हमने संशोधन किया उसमें हमने क्या किया, ठीक है, किसमें क्या, आर्टिकल 38 में हमने चेंज किया। 86वां जो संशोधन किया उसमें हमने 45 के अंदर ऐड कर लिया, और 97वां संशोधन किया उसमें 2011 के अंदर वो किया गया, कोऑपरेटिव को ऐड कर लिया गया, समझ गए। तो ये सारे तो बदलाव और ये सारे आपके दिशा निर्देश है जो कि हमने पढ़े हैं। आर्टिकल 36 से लेकर 51 जो है ये हमने कवर कर लिया है। ये जो है कौन कौन से 1950 में बने ये भी डिस्कस कर लिया, और कौन कौन से जो है वो बाद में डाले गए हैं ये भी मैंने आपके साथ में डिस्कस कर लिया है, समझ गए मेरी बात। तो
तो उम्मीद करता हूं कि आपको पूरी चीज़ें समझ में आ गई होगी। इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखोगे तो आपको एग्ज़ाम में बड़ी मदद मिलेगी, इससे बेस्ट आपको पॉलिटी पढ़ने को नहीं मिलेगी, ये भी मेरी श्योरिटी है। समझ गए? तो इसको रिवाइज करिए, शेयर करिए ताकि सभी बच्चे पढ़ सके और आगे बढ़ सके। साथ में आपको बता देता हूँ दोस्तों, जिन बच्चों ने एनटीपीसी की टेस्ट सीरीज नहीं ली है तो 5-7 टेस्ट है जो कि ऑलरेडी निकल चुके हैं। अभी भी अगर आप लोगे तो पुराने वाले आपको सारे मिल जाएंगे और रेगुलर प्रैक्टिस जो है वो कंटिन्यू रखो। कैसे लेना है एनटीपीसी के मॉक टेस्ट 30, वो मैं आपको बता देता हूँ, पुराने वाले भी आपको मिल जाएंगे। चलिए, सबसे पहले अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड करनी है, उसके बाद में आपको नीचे की तरफ से प्लस में जाना है। प्लस में जाने के बाद में ऊपर से रेलवे सेलेक्ट करना है और गेट सब्सक्रिप्शन के ऊपर जाना है। जाने के बाद में दोस्तों 1 महीना, 3 महीना, 6 महीने के ऑप्शन मिलेंगे। आप 1 महीने की टेस्ट सीरीज ले सकते हैं क्योंकि काफ़ी दिन तो ऑलरेडी निकल चुके हैं, तो अब आपके 1 महीने में भी काम चल जाएगा, 15-20 टेस्ट हो ही जाएंगे। और अगर 30 मॉक टेस्ट पूरे करने हैं तो आप 3 महीने का ले सकते हैं, 6 महीने का ले सकते हैं, जिसमें आपके ग्रुप डी की, जो RRB JEE की, इन सब की भी प्रिपरेशन है जो कि हो जाएगी। कूपन कोड के अंदर वाईफाई स्टडी लिख दीजिए और अप्लाई कर दीजिए। वाईफाई स्टडी लिखने के बाद, अप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगा, आपको 10% ऑफ भी मिल जाएगा। ऑफ मिलने के बाद आप वाईफाई स्टडी को एनरोल कर लीजिए, जितने भी कोर्सेज होंगे वो सभी आपको मिल जाएंगे। प्रीवियस ईयर और एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी आपके लिए स्टार्ट करे जा रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू, गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे। वापस से मिलेंगे अगले सेशन के अंदर। थैंक यू।